नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से भारत को वापस सौंप दी गई है। 11 नवंबर यानी कि गुरुवार को ये मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी, जिसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा में मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर की कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच है। माना जा रहा है कि 18वीं शताब्दी की ये प्रतिमा 1913 को काशी के घाट से चुरा ली गई थी और फिर इसे कनाडा ले जाया गया था। वहां ये मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह का हिस्सा थी। इस मूर्ति की जो भव्यता है वो देखते ही बन रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस भारत को मिल गई है। तो गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह का हिस्सा थी। इस मूर्ति की वसीयत 1936 में नॉर्मन मैकेंजी की तरफ से करवाई गई थी और गैलरी के संग्रह में जोड़ा गया। आपको बता दें कि यह मामला उस समय सामने आया जब इस साल गैलरी में एक प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। इस दौरान कलाकार दिव्या मेहरा की नजर इस मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर सरकार ने अपनी ओर से इसकी वापसी के प्रयास शुरू किए। रेजिना विश्वविद्यालय के अंतरिम अध्यक्ष और कुलपति थॉमस चेज ने यह मूर्ति भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारा को सौंपी है। अब भारत सरकार 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मूर्ति को यूपी सरकार को जल्द ही सौंपेगी। तो 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अब वापस भारत को मिल गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में इसकी स्थापना आज की जाएगी। प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार अन्नपूर्णा की मूर्ति गाजियाबाद पहुंच रही है। हमारे साथ जनरल वीके सिंह जी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 100 साल बाद देश की धरोहर देश को मिल रही है, किस तरह से महसूस कर रही है देश की जनता? देखिए, पूरे देश के अंदर उत्साह, मेरे अकेले की बात नहीं है, आपके अंदर भी उत्साह है, इनके अंदर भी उत्साह है। ये देखिए कितना उत्साह दिख रहा है। अगर विरोधियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि चुनावी मुद्दे बनाने के लिए क्या जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अगर अपनी धरोहर को के स्वागत को भी विरोधी कुछ और मानते हैं तो सिर्फ वो विरोध के बारे में ही सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। उनको बोलिए थोड़ी अपनी मानसिकता ठीक करें। अच्छा सर, इसके अलावा जानना चाहेंगे जो आज है, कितने जिलों से होते हुए माता अन्नपूर्णा की मूर्ति आ रही है? 19 जिले हैं जिनमें से होती हुई माता की मूर्ति निकल रही है और 15 तारीख को इनकी पुनर्स्थापना होगी काशी। तो बिल्कुल, देखिए हमारे साथ है जनरल वीके सिंह जी, जिन्होंने बताया कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति किस तरह से गाजियाबाद आ रही है, उसके बाद काशी पहुँचेगी। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस भारत को मिल गई है। 100 साल पहले एक घाट से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति गायब हो गई थी, चोरी हो गई थी और फिलहाल इसे कनाडा से वापस मंगा लिया गया है। तो ऐसे में मां अन्नपूर्णा का आगमन हुआ है, लोगों में काफी खुशी का माहौल देखते बन रहा है। तो दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और भव्यता के साथ इस मूर्ति का स्वागत किया गया है। मां की आराधना की गई, अलग तरीके से वेशभूषा और फूलमालाओं के साथ उनको सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल 15 नवंबर को इस मूर्ति की स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर में की जाएगी। 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से भारत आ गई है और 11 नवंबर यानी कि आज ही ये मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी, जिसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ऐसे में खुशी का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है। आज षष्ठमी है और षष्ठमी के दिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। इस प्रतिमा में मां अन्नपूर्णा के हाथ में खीर की कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच है। माना तो यह जाता है कि 18वीं शताब्दी की ये प्रतिमा 1913 में काशी के घाट से चुरा ली गई थी और फिर इसे कनाडा ले जाया गया। वहां ये मैकिन्स आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह का हिस्सा थी। इस मूर्ति की वसीयत 1936 में नॉर्मन मैकेंजी की तरफ से कराई गई थी और गैलरी के संग्रह में जोड़ा गया। आपको बता दें कि मामला उस समय सामने आया जब इस साल गैलरी में एक प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी और इस दौरान कलाकार दिव्या मेहरा की नजर इस मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर सरकार ने अपनी ओर से इसकी वापसी की कोशिश की। रेजिना विश्वविद्यालय के अंतरिम अध्यक्ष और कुलपति थॉमस चेस ने यह मूर्ति भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को सौंपी है। अब भारत सरकार 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मूर्ति को यूपी सरकार को वापस लौट दे रही है। तो 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई है, इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया गया था और आखिरकार इस मूर्ति को वापस पा लिया गया है। तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद एक बार फिर भी
भारत पे पड़ा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 100 साल पहले चोरी हुई मूर्ति आज वापस आ गई है, ये खुशी का दिन है क्योंकि आज षष्ठमी भी है, बहुत बड़ा दिन है और सनातन धर्म के अनुसार इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आज जब मूर्ति वापस आई है तो उसके स्वागत के लिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में ही हजारों श्रद्धालु ऐसे मौजूद थे जो उनके दर्शन करना चाहते थे। और जैसे ही मूर्ति का रथ यहाँ पहुंचा गाजियाबाद के मोहन नगर में, तो यहाँ भक्तों का जो एक मेला है वो पूरी तरह से लग गया था और सब मूर्ति के दर्शन करना चाहते थे क्योंकि मूर्ति के दुर्लभ दर्शन थे। और जिसके बाद यहाँ जितेंद्र, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जितेंद्र, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, फिलहाल आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सुना आपने किस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि गाजियाबाद में भी जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा था इस मूर्ति को लेकर, क्योंकि माँ की आराधना यहाँ की जा रही थी, हर कोई चाह रहा था कि माँ के दर्शन हो जाए क्योंकि 100 साल बाद इस मूर्ति को वापस लाया गया है और घाट से इस मूर्ति को चुरा लिया गया था 1913 में ऐसा बताया जाता है। और अब इसकी वापसी हुई है तो भव्य स्वागत तो किया ही गया है, साथ ही साथ एक खुशी का माहौल भी, क्योंकि आज की जो तिथि है वो बेहद ही शुभ है। आज छठ पूजा का भी समापन हुआ है, आज षष्ठमी है, तो ऐसे में आज का दिन बेहद शुभ है सनातन धर्म के लिए। तो ऐसे दिन में मां अन्नपूर्णा का आना कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारत में भविष्य में भी कभी धन धान की कमी नहीं हो सकती है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जो है हमेशा भारत पर बना रहेगा।